आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि कंपाइल टाइम क्या होता है। कंपाइल टाइम वो प्रोसेस और ड्यूरेशन होता है जब एक प्रोग्राम को सोर्स कोड से मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। कंपाइल टाइम वो प्रोसेस और ड्यूरेशन होता है जब एक प्रोग्राम को सोर्स कोड से मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। इस प्रोसेस को कंपाइलर परफॉर्म करता है। कंपाइलर क्या है ये तो मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में। कंपाइल टाइम में प्रोग्राम के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन। आइए इनकी एस्पेक्ट्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला है लेक्सिकल एनालिसिस। इस स्टेज में सोर्स कोड को टोकन्स में ब्रेक किया जाता है। टोकन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और ऑपरेटर्स। दूसरा है सिंटेक्स एनालिसिस। इस स्टेज में टोकन्स का स्ट्रक्चर चेक किया जाता है यूजिंग द लैंग्वेजेस ग्रामर रूल्स। सिंटेक्स ट्री जनरेट किया जाता है। सिंटेक्स ट्री, जैसे एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री जनरेट किया जाता है जो कोड के हायरार्किकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है सिमेंटिक एनालिसिस। इस स्टेज में एएसटी का डीपर वैलिडेशन किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री जो है इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री का डीपर वैलिडेशन किया जाता है ताकि एंश्योर हो सके कि कोड सिमेंटिकली करेक्ट है। ये इंक्लूड करता है टाइप चेकिंग, स्कोप रेजोल्यूशन और दूसरे जो सिमेंटिक रूल्स हैं वो। चौथा है ऑप्टिमाइजेशन। इस स्टेज में कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि ये ज्यादा एफिशिएंट हो। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कोड को फास्टर और लेस रिसोर्स इंटेंसिव बनाती हैं। पांचवा है कोड जनरेशन। इस स्टेज में ऑप्टिमाइज्ड कोड को टारगेट मशीन कोड या बाइट कोड इनमें कन्वर्ट किया जाता है। तो इस स्टेज में ऑप्टिमाइज्ड कोड को टारगेट मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। यह कोड सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट हो सकता है। कंपाइल टाइम का एक एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल सी प्रोग्राम का एग्जांपल देखते हैं और इसके डिफरेंट कंपाइल टाइम स्टेजेस को समझते हैं। अब इसमें जो कंपाइल टाइम प्रोसेस क्या होगा, इसमें लेक्सिकल एनालिसिस होगा जैसे मैंने बताया, सोर्स कोड को टोकन्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें तो ये जो सोर्स कोड है इसको टोकन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर सिंटेक्स एनालिसिस होगा, टोकन्स को सिंटेक्स ट्री में अरेंज किया जाएगा जो कोड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। फिर सिमेंटिक एनालिसिस होगा, तो उसमें एएसटी का वैलिडेशन होता है, टैप चेकिंग और स्कोप रेजोल्यूशन परफॉर्म होती है ताकि इंश्योर हो सके कि ए बी और सी करेक्ट टाइप्स और स्कोप हैं। इसमें ए बी और सी जो वेरिएबल हैं वो करेक्ट टाइप और स्कोप है ये चेक करेंगे सिमेंटिक एनालिसिस में। फिर ऑप्टिमाइजेशन होगा जिसमें इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी को डायरेक्टली इंट सी इज इक्वल टू 8 में रिप्लेस किया जा सकता है अगर ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं तो। कोड जनरेशन पांचवा स्टेप है। ऑप्टिमाइज कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है, तो इस तरह से कुछ कोड जनरेट हो सकता है। फिलहाल दिमाग पर आपको ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, इस पर हो सके तो मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा एक डिटेल में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया कि कंपाइल टाइम क्या है। कंपाइल टाइम वो प्रोसेस और ड्यूरेशन होता है जब एक प्रोग्राम को सोर्स कोड से मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। इतना तो याद रखना कम से कम। और कोई भी क्वेरी है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख देना, पूरी मदद करेंगे आपकी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस इस चैनल पर आते रहें तो लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को। जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं, वरना हो सकता है कि काफी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं। वैसे वीडियोस और प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं वो। यहां कुछ वीडियोस मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। गुड बाय।